मम्मी इश्यू लिखना था उसका। जी इशू लिखना। मैम एक ही लिखा है इश्यू। हेलो, हाँ जी बताइए क्या लिखा है। वेदर द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, इवन हर मैरिज वाज वॉइडेबल एंड एनल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। वेदर मुख्य आंसर रीड करिए आप। कैन यू हियर मी? हाँ जी यस मैम, आंसर रीड करिए अपना। एक सेकेंड मैम। पहले सेक्शन 12 दिखा है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 12 हैज ग्राउंड ऑफ टेकिंग डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोटेंसी ऑफ वन पार्टी। इट इज अ फॉर्म ऑफ अवॉइडेबल मैरिज। प्लीज अपना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ये सीआरपीसी, सड़क वाइफ इंक्लूड्स डिवोर्स वाइफ आल्सो। करकट कट कर खेलना कभी बॉल बॉल ना मार दे। सड़क करकट खेलना कभी बॉल बॉल ना मार दे। वो रामी बस अपने कभी स्पीकर भाई ऑफ ऊपर लगा दे करिए। करती ऊपर जो ऊपर छत के ऊपर नीचे चढ़ा था। हाँ मैं बॉल बॉल खेल रहा हूँ। एज वो इन लाया किसी डी हर मारवा प्रेजेंट केस मैरिज इज वॉइडेबल। इट स्टैंड्स एनल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑफ नलिटी व्हिच कैन बी पास अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इम्पोटेंसी। इफ द मैरिज इज वैलिड देन मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन पिटीशन बाय हस्बैंड और वाइफ ऑन एनी ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अ डिवोर्स्ड वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इफ शी हैज नॉट रीमैरिड और शी हैज नॉट रिसीव द होल ऑफ द सम अंडर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू पार्टीज वाज पेएबल ऑन डिवोर्स। डेफिनेशन ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन एंड हैज नॉट रीमैरिड। इन अदर वर्ड्स टिल द रीमैरिज अ डिवोर्स वुमेन रिमेन्स वाइफ टू बी एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस यहाँ पे अंडर एक सेक्शन क्वेश्चन वन आंसर ट्वेंटी करिए। फाइव हाँ बट मुफ्ती यहाँ पे किसी और ने इस पे इश्यू बनाया है। यस मैम। एक मिनट मुफ्ती और किसी ने इस पे इश्यू बनाया रोहन रजत यस मैम आपने इश्यू बनाया है इस पे परसों मैं एब्सेंट था कल क्लास में। हाँ की क्लास थी बच्चे। चलो ठीक है, किसी और ने इश्यू बनाया। उसी में एब्सेंट था मैम। रजत जी आप में से किसी ने इश्यू बनाया है इस पे। हाँ जी इश्यू बनाया आपने। हाँ जी मुक्ति, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसमें आपके यस इश्यू जो मैम। है वो क्लियर नहीं है। हाँ जी अगर हम सेक्शन 125 को रेफर कर रहे हैं। हाँ जी मैम इश्यू यही बनेगा ना आफ्टर फाइलिंग एडिटरी अंडर सेक्शन 12 इज शी एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। आपका आगे क्या है, आप अपना रीड करिए आंसर। हाँ जी आपका नाम क्या है? हाँ जी समीरा ने इश्यू बनाया वेदर अ लेडी आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री अंडर सेक्शन 12 इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। हाँ जी According to section 12 आप1A, नॉर्मली आंसर करिए क्विकली कि आपके हिसाब से। अच्छा, in order to claim maintenance under section 125, CRPC, if the wife establishes that she has no sufficient independent income for her support, it is open to her claim maintenance under section 125. Which is enacted with the objective to provide speedy relief and to prevent pregnancy and destitution. It was held in Siraj Muhammad Khan Jan, Muhammad Khan versus Hafizun Nisa Yasin. Maintenance can be allowed to wife when husband is important. ओके okay. हाँ जी यहाँ पे हम पहले प्रोविजन को रेफर करते हैं सेक्शन 125 में।
हाँ जी 125 को अगर आप रीड करेंगे तो वहां पे जो एक्सप्रेशन यूज है वो यूज है वाइफ. यहाँ पे जो लेडी ने डिग्री ऑब्टेन की है वो की है अंडर सेक्शन 12. हम जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं वहां पे हमने बात की है दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप. सेक्शन 11, 12 और 13 उसकी बात करता है. हाँ जी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट जो रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का वो तीन कैटेगरी में है. फर्स्ट वैलिड मैरिज जो कि डिसॉल्व होती है अंडर सेक्शन 13 बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स. हाँ जी जो सेकंड कैटेगरी है वो है वॉइडेबल मैरिज. हाँ जी जो कि डिसॉल्व होती है विच इज एनल्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 12. हाँ जी थर्ड कैटेगरी है हाँ जी थर्ड कैटेगरी है वॉइड मैरिज की. वो की एनल होती है अंडर सेक्शन 11. हाँ जी इनके ग्राउंड्स डिफरेंट हैं. आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वॉइडेबल मैरिज की. हाँ जी इसका स्टेटस क्या है हिंदू मैरिज में. ये मैरिज जब तक इसके ग्राउंड्स होते हैं फ्रॉड या फिर इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड और इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज. हाँ जी ये सब ग्राउंड्स हैं जहां पे मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है अंडर सेक्शन 12. हाँ जी सेक्शन 12 में ये ऑप्शन है पार्टीज का कि वो जो अपनी मैरिज है उसको एनल करवाना चाहते हैं कोर्ट से या नहीं. अगर वो एनल नहीं करवाते तब तक जो स्टेटस है मैरिज का वो क्या है वैलिड मैरिज का. आफ्टर दैट वो क्या ट्रीट की जाती है वॉइड मैरिज. हाँ जी यहाँ पे जो वाइफ का एक्सप्रेशन सेक्शन 125 में डील किया गया है उसको डिफाइन किया गया एक्सप्लेनेशन बी में. अगर आप एक्सप्लेनेशन बी रीड करो उसमें लिखा है वाइफ इंक्लूड्स अ लेडी हु हैज डिवोर्स और हु हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स एंड हैज नॉट रीमैरिड. हाँ जी वहां पे एक्सप्रेशन यूज है डिवोर्स. इट मींस क्या वहां पे सिर्फ वैलिड मैरिज की वाइफ और क्या सिर्फ जो ऑब्टेन करती है सेक्शन 13 के अंडर डिवोर्स उन्हीं को इंक्लूड किया गया. इट मींस क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ को इंक्लूड करने की थी या जो वॉइडेबल मैरिज के अंदर लेडी है या वॉइड मैरिज के अंदर जो लेडी है उनको भी इंक्लूड कर सकते. हाँ जी हमने वॉइड मैरिज का डील किया था क्वेश्चन कौन से केस में किया था. हाँ जी वॉइड मैरिज का जो केस है हमने कौन से केस में डील किया है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गॉड से जहां पे उन्होंने वॉइड मैरिज के तीनों ग्राउंड्स को ना डील करते हुए सिर्फ एक ग्राउंड को डील किया था जो कि था बायगैमी. हाँ जी वहां पे कोर्ट ने लेडी को रिलीफ दी ऑन द ग्राउंड इफ दैट वाइफ दैट लेडी वाज अनअवेयर अबाउट द मैरिज ऑफ द हस्बैंड. अर्लियर मैरिज थी उसके बारे में अनअवेयर थी. अगर लेडी अनअवेयर है इन दैट केस शी इज अलाउड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125. हाँ जी जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वॉइडेबल मैरिज की. हाँ जी यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन जो इश्यू बनता है वो बनता है वेदर अ लेडी और अ वाइफ ऑफ वॉइडेबल मैरिज आफ्टर एनलमेंट इज अलाउड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 और नॉट. हाँ जी क्या वो वाइफ के एक्सप्रेशन में फॉल करती है या नहीं. हाँ जी मेन इश्यू ये है. हाँ जी आप इसका आंसर करेंगे. इसका आंसर लिखा है मैम कि दैट द वाइफ इज नो मोर रिमेन अ वाइफ इवन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 125 क्योंकि मैम जो मैरिज है वो एनल्ड हो चुकी है कोर्ट ने इसको नलिफाई कर दिया है इसलिए वो उसका वाइफ का स्टेटस नहीं रहा. ठीक है. हां जी यहां पे अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट रीड करें जब तक मैरिज कंटिन्यू है तब तक तो वो वैलिड मैरिज के फॉल की कैटेगरी में फॉल करती है और वाइफ अलाउड है क्लेम करने के लिए मेंटेनेंस. बट क्वेश्चन अराइज होता है आफ्टर एनलमेंट क्या वो अलाउड है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए या नहीं. हाँ जी जो केस अभी हम डील करेंगे ये डिफरेंट फैक्ट्स हैं हम इसको भी डील करेंगे लेकिन इस केस में क्या हुआ था जो डिग्री ऑफ एनलिटी ऑफ मैरिज है एनलमेंट ऑफ मैरिज है वो और जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है दोनों सेम डेट को आया.
हाँ जी, सेम डेट को आने की वजह से ये पता नहीं चला कोर्ट को कि कौन सा ऑर्डर पहले आया है या कौन सा बाद में आया है। हाँ जी, हाई कोर्ट में जब ये केस पहुंचा, उन्होंने कहा हम टेक्निकलिटी से डील ना करते हुए सीधा इशू से डील करेंगे कि क्या जो अवॉइडेबल मैरिज की जो वाइफ है वो एक्सप्लेनेशन बी में फॉल करती है या नहीं। हाँ जी, यहाँ पे लिखिए जो उन्होंने पॉइंट्स कवर किए। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन बी को एक बार रीड करिए प्लीज, सेक्शन 125 के। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन बी रीड करिए। मुक्ति, आप रीड करें। यस मैम। Wife includes woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried. यहाँ पे कोर्ट ने जो एक्सप्रेशन से डील किया वो डील किया डायवोर्स और हैज ऑब्टेन डायवोर्स। हाँ जी, कोर्ट ने कहा कि क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर एनल्ड बाय डिक्री ऑफ मैरिज हैज बीन एनल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी, क्या ये भी फॉल करता है या नहीं। हाँ जी, इसके लिए उन्होंने कहा कि देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें, लॉ की बात ना करें, तो जब शादी हुई है तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वैलिड मैरिज या अवॉइडेबल मैरिज के, क्या उसमें कोई फर्क आता है। हाँ जी, टेक्निकल एक पॉइंट तो ये है कि हम उसको अवॉइड डील करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले की बात की जाए प्रैक्टिकली, तो दोनों सिनेरियो में कोई फर्क है, वैलिड मैरिज और अवॉइडेबल मैरिज। हाँ जी, जो लेडी है अवॉइडेबल मैरिज की, वो डिग्री ऑब्टेन करने के बाद भी जब उसे शादी करनी है दोबारा, क्या वो सेम पेडेस्टियल पे है। हाँ जी, जो वैलिड मैरिज की लेडी है वो डाइवोर्स के बाद जिस पोजीशन में है, क्या अवॉइडेबल मैरिज की जो लेडी है वो भी डिग्री के बाद सेम पोजीशन में है या वो बेटर पोजीशन है। हाँ जी, सेम पोजीशन में है, उसके सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, है ना। उसको भी कहा जाता है कि वो उसकी दोबारा शादी हो रही है, वो अपनी जो मेडन होल्डर है उसको खो देती है। हाँ जी, इसीलिए यहाँ पे फिर कोर्ट ने कहा कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस चेक करते हैं कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर इसके कॉन्सिक्वेंसेज वैलिड मैरिज के बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स, आफ्टर डिग्री ऑफ डिवोर्स, क्या सेम है या डिफरेंट है। हाँ जी, इसके लिए उन्होंने रेफर किया सबसे पहले सेक्शन 16 को। हाँ जी, वैलिड मैरिज के जो वेडलॉक से जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी क्या है लेस्टिमेसी, कैसी होती है, लेस्टिमेट और इलेस्टिमेट, लेस्टिमेट होते हैं। और अगर आप सेक्शन 16 को रेफर करें, वहां पे भी उन्होंने क्या कहा है कि वॉइडेबल मैरिज में, वॉइडेबल मैरिज के टाइम पे ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज जो किड्स बॉर्न हुए हैं वो क्या होंगे, लेस्टिमेट होंगे। फिर उन्होंने बात की सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है अपील बाय फ्रॉम अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स। वहां पे जो टाइम पीरियड बताया हुआ है कि कितने टाइम में अपील कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर आप बात करें डिग्री ऑफ डाइवोर्स को, उसको इंटरप्रेट किया श्रीमती लता कामत केस में वर्सेस बिलास में, कि क्या इसका मतलब सिर्फ उन डिक्रीज की बात है जो सेक्शन 13 के अंडर ऑब्टेन की गई है, या सेक्शन 11 और 12 को भी उसी के अंदर फॉल करवाया जाता है। हाँ जी, वहां पे उन्होंने बात की उस केस में कि जो डिग्री ऑफ डाइवोर्स एक्सप्रेशन है उसके अंदर डिग्री मैरिज एनल्ड बाय डिग्री ऑफ नलिटी जो है, मींस जो सेक्शन 12 है वो भी फॉल करता है। हाँ जी, थर्ड उन्होंने बात की सेक्शन 25 की। हाँ जी, 25 किससे डील करता है। हाँ जी, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट परमानेंट एलिमनी की बात करता है। हाँ जी, आप उसको रीड करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है एनी डिक्री ऑब्टेन्ड अंडर दिस लॉ। वहां पे फिर केस में एक केस हुआ था, मैं उस केस का नाम भूल गई हूँ, राम प्रसाद डागा करके कुछ केस है, मैं उसका बाद में आपको बताऊंगी। उसमें उन्होंने डील किया और कहा कि सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 मीन्स जुडिशियल सेपरेशन, RCR, वर्ल्ड मैरिज, वर्ल्डेबल मैरिज और डाइवोर्स, कोई भी डिग्री आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ऑब्टेन करते हैं, इन ऑल दोस केसेस
जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, वो एलिमनी क्लेम कर सकते हैं, परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25. इट मींस वहां पे भी सेक्शन 12 और सेक्शन 13 को सेम पेडेस्टियल पे डील किया गया. हाँ जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हम एक्सप्रेशन यूज किया गया है एक्सप्लेनेशन बी में, डायवोर्स और हैज ऑब्टेन डायवोर्स, वहां पे हम एनल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी को भी फॉल करवाएंगे, कीपिंग इन व्यू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिक्री, कि चाहे सेक्शन 12 के अंदर डिक्री ऑब्टेन की है पार्टी ने, चाहे सेक्शन 13 के अंदर, दोनों का ही क्या है, सेम कॉन्सिक्वेंसेज हैं और दोनों ही सेम पेडेस्टियल पे हैं. इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के एक सेक्शन को रेफर किया, वहां के लॉ को रेफर किया, जहां पे उन्होंने कहा कि फॉर फाइनेंशियल पर्पस हम वॉइडेबल और जो वैलिड मैरिज है दोनों को सेम पेडेस्टियल पे रखते हैं. फिर कोर्ट ने इस सेक्शन का 125 का ऑब्जेक्ट भी डिस्कस किया. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूट, जो कि वॉइडेबल मैरिज के केस में भी फॉल करता है. इसीलिए कोर्ट ने इन दोनों को सेम पेडेस्टियल पे रखते हुए वाइफ को यहाँ पे फॉल करवाया, वॉइडेबल मैरिज की जो वाइफ है उसको भी 125 के अंडर फॉल करवाया. हाँ जी, फिर उन्होंने बात की डीवी एक्ट, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. हाँ जी, हम ऑलरेडी केस डिस्कस कर चुके हैं, चनमुनिया केस, डी वेलुस्वामी केस, इंदिरा शर्मा केस, कि कैसे जो लॉ की जो पोजीशन है वो बदलती जा रही है. हमने जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किया वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अराइज किया और उसके कुछ फैक्टर्स लेट डाउन किए, और हमने जो नॉट सो लीगली वेडेड वाइफ है, नॉट सो लीगली वेडेड वाइफ है, उनको भी वहां पे बेनिफिट दिया है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. हाँ जी, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 26 को रेफर करेंगे. उन्होंने कहा है जो एग्रीव पार्टी है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के साथ साथ किसी और लॉ के अंडर, सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल में कोर्ट से भी रिलीफ ले सकती है. इट मींस वो 125 के अंदर भी रिलीफ ले सकती है. हाँ जी, जब हम इतनी डेवलपमेंट हो रही है लॉ की और जो आज का प्रैक्टिकल सिनेरियो, जो आज की जो जनरेशन है वो रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव नहीं करती है. जब ये सिचुएशन आ गई है तो लॉ को भी क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ मूव करना पड़ेगा. हाँ जी, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहा कि हमें जो यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज की जब रिचुअल्स परफॉर्म नहीं हुए हैं, चनमुनिया का केस देखिए, द्वारका प्रसाद का, वहां पे मैरिज प्रूव ही नहीं हुई है, हमने उनको भी रिलीफ दी है, तो व्हाई नॉट टू द लेडी ऑफ वॉइडेबल मैरिज. हाँ जी, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे रिलीफ दी है लेडी. हाँ जी, इसके साथ ही ये तो जो जजमेंट्स मैंने डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये तो हमने बात की है केरला हाईकोर्ट का, जो हाईकोर्ट ने डिसीजन को डिस्कस किया है. हाँ जी, जब आप किसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रेफर करेंगे, हाईकोर्ट ने उर्मिला बादशाह गोडसे का केस डिस्कस नहीं किया इसमें, इस जजमेंट में. हाँ जी, उन्होंने इसकी रेफरेंस ही नहीं दी है. उर्मिला गोडसे में क्या किया, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जितनी डेवलपमेंट थी उसको इंकल्केट करके हमने बेनिफिट दिया था उस वहां पे लेडी को. हाँ जी, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने उर्मिला बादशाह गॉडफ्रे को डिस्कस ही नहीं किया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करते हुए, इस जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की वो सिर्फ पांच छह लाइंस की है, दो तीन पैराग्राफ की जजमेंट है, बस उन्होंने इतना मेंशन किया है कि उर्मिला बादशाह गॉडफ्रे को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वाइफ को रिलीफ दे रहे हैं. इट मीन्स हमने जब वहां पे वॉइड मैरिज की लेडी को भी बेनिफिट दे दिया है, तो व्हाई नॉट टू अ लेडी ऑफ वॉइडेबल मैरिज. हाँ जी, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बेनिफिट दिया है टू अ लेडी ऑफ वॉइडेबल मैरिज आल्सो. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, उसके बाद दो क्वेश्चन और अराइज हुए. पहला क्वेश्चन कि अभी तो हमने हिंदू मैरिज एक्ट की बात की है, क्या बाकी रिलीजियस डिनोमिनेशंस पे भी ये सेम अप्लाई होगा? हाँ जी, कोर्ट ने इसको आंसर किया अफर्मेटिव में और कहा कि वॉइडेबल की सिचुएशन जो है, वॉइडेबल मैरिज की जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है बाकी सब लॉज में भी. इसीलिए जो ये जजमेंट है इसकी जो डिसीजन है वो बाकी रिलीजियस डिनोमिनेशंस पे भी अप्लाई होगा. हाँ जी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अराइज हुआ, जो हस्बैंड ने रेज किया कि वॉइडेबल मैरिज के अगर आप ग्राउंड्स देखें, वहां पे फ्रॉड की बात भी की गई है, वहां पे प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज प्रेगनेंसी की भी बात की गई है, कि अगर हम वॉइडेबल मैरिज की जो लेडी है उसको बेनिफिट दे देंगे 125 के अंडर, तो ये एक जो प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये बाकी केसेस पे भी अप्लाई होगा
जहां पे लेडी अपने ही रॉन्ग का बेनिफिट ले लेगी, क्योंकि वो वॉइडेबल मैरिज के अंदर एनल करवा के वो मेंटेनेंस क्लेम कर लेगी, और उसमें चाहे उसने फ्रॉड से शादी की है या फिर वो बिफोर मैरिज प्रेग्नेंट थी, उन केसेस में क्या होगा, लेडी को बेनिफिट मिलेगा किसका, अपने ही रॉन्ग का। हाँ जी, तो वहां पे इस चीज को जब रेज किया कोर्ट ने, कहा हाँ जी हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर भी यही डिसीजन ले डाउन करेंगे कि वॉइडेबल मैरिज की जो लेडी है उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर हम डाइवोर्स के ग्राउंड चेक करें, वहां पे अगर वाइफ ने डिजर्शन के ग्राउंड पे डाइवोर्स ऑब्टेन किया है तब भी हम उसे क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं 125 का। अगर एडल्ट्री के बेस पे डाइवोर्स हुआ है, वाइफ एडल्ट्री कमिट की है उसने और उसके बेस पे डाइवोर्स ऑब्टेन किया है, वहां पे भी हम उसे 125 में बेनिफिट देते हैं। इसीलिए कोर्ट ने इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कहा कि वॉइडेबल मैरिज की लेडी को हम बेनिफिट देंगे अंडर सेक्शन 125, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑफ सेक्शन 125। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है इसके रिगार्डिंग कोई डाउट? हाँ जी, इसमें लिखने वाला बहुत है इसलिए मैं आपको ये जजमेंट फॉरवर्ड कर दूंगी और साथ में ये पेज फॉरवर्ड करूंगी जहां पे इश्यूज लिखे हुए हैं और उन इश्यूज का आंसर कौन से पैराग्राफ में है वो भी मेंशन। हाँ जी, आपको ये जजमेंट फॉरवर्ड करवा दूंगी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और आप इसका प्रिंटआउट ले जाइएगा, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर मैरिज। हाँ जी, मुस्लिम लॉ में इरेगुलर मैरिज है जो कि ऑलमोस्ट सेम है वॉइडेबल मैरिज। हाँ जी, आप मुस्लिम लॉ में बता सकते हैं इरेगुलर मैरिज के ग्राउंड्स क्या हैं? हाँ जी, एनीवन? मुक्ति, आपने रीड किया है मुस्लिम लॉ, स्टडी किया है आपने? हाँ जी, आप में से किसी ने स्टडी किया हुआ है मुस्लिम लॉ? सोनल, अगर वो फिफ्थ मैरिज कर ले तो? इरेगुलर मैरिज में वो ग्राउंड्स इंक्लूड किए गए हैं जहां पे किसी एक ग्राउंड मतलब किसी एक वजह से वो मैरिज वैलिड नहीं हो पाई है, लेकिन अगर वो हम सिचुएशन को रिमूव कर दें या उसको फुलफिल कर दें तो वो मैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई शादी हुई है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। हाँ जी, मुस्लिम लॉ में विटनेसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कोई शादी तो हुई है, सारी कंडीशंस पूरी हैं, लेकिन विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है तो वो मैरिज वैलिड इरेगुलर है। वो वैलिड कब हो जाएगी, जब विटनेसेस हो जाएंगे। हाँ जी, सिमिलरली अ मुस्लिम मेल इज अलाउड टू हैव 4 वाइव्स। हाँ जी, वहां पे अगर वो फिफ्थ मैरिज कर लेता है वो इरेगुलर मानी जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी किसी एक वाइफ की डेथ हो जाएगी फिर नंबर ऑफ वाइफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस केस में फिर से क्या हो जाएगा, वो वैलिड मैरिज हो जाएगा। इट मीन इरेगुलर मैरिज में वो केसेस हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट की वजह से वो मैरिज वैलिड नहीं हो पाई, वो फैक्ट रिमूव कर दिया या उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी जाए तो वो मैरिज वैलिड मैरिज बन जाएगी। हाँ जी, इरेगुलर मैरिज में भी सिचुएशन सेम है जो वॉइडेबल मैरिज की है, कि वहां पे भी अ वुमन इज अलाउड टू हैव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ, अनलॉफुल कंजंक्शन। वहां पे मुस्लिम लॉ में हस्बैंड इज नॉट अलाउड टू मैरी विद हिज वाइफ्स सिस्टर, वाइफ की सिस्टर के साथ वो शादी नहीं कर सकता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज वाइफ। हाँ जी, इसे कहते हैं अनलॉफुल कंजंक्शन। हाँ जी, इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड ने शादी कर ली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज वाइफ। हाँ जी, वहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये सिचुएशन इरेगुलर मैरिज में फॉल करेगी या वॉइड मैरिज में फॉल करेगी। हाँ जी, इसको डील किया गया, केस का नाम लिखिए, चांद पटेल वर्सेस बिस्मिल्ला बेगम। चांद पटेल वर्सेस बिस्मिल्ला बेगम 2008 वॉल्यूम 2
वॉल्यूम टू आरसीसी इज रिपोर्ट ऑन क्रिमिनल केसेस. हाँ जी नहीं इसका आरसीसी की मैं फुल फॉर्म मेरे को क्लिक नहीं कर रही, मैं बताती हूँ नेक्स्ट उसमें. हाँ जी ब्रैकेट में लिखिए क्रिमिनल, इट्स आरसीसी रिपोर्टेड क्रिमिनल केसेस. आई थिंक इट्स सेम ओनली, बट मुझे एक डाउट हो रहा है कि शायद इसमें कुछ और है, मैं इसको चेक करूंगी. हाँ जी क्रिमिनल 322 पेज नंबर 322 सुप्रीम कोर्ट. हाँ जी यहाँ पे कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, इरेगुलर मैरिज और वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स को डिस्कस किया. हाँ जी वॉइड मैरिज में वो ग्राउंड्स आते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग से ही मैरिज क्या है, नल एंड वॉइड है. लेकिन यहाँ पे अगर फैक्ट्स को देखा जाए अनलॉफुल कंजंक्शन में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो मैरिज क्या हो सकती है, वैलिड हो सकती है. किस फैक्ट पे, कि अगर हस्बैंड की जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाए तो वो क्या हो सकती है, वैलिड हो सकती है. इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि जो मैरिज है वो वैलिड हो सकती है, इसलिए हम इसको वॉइड नहीं ट्रीट करेंगे और हम इसको इरेगुलर मैरिज में फॉल करवाते हुए यहाँ पे जो लेडी है उसको 125 का बेनिफिट देंगे. हाँ जी क्लियर है, क्लियर है. यहाँ ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम, वाइफ की लाइफ टाइम में, नहीं तब तक वो मैरिज इरेगुलर है. कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपने कर ली है तो वो बिल्कुल नलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते. कर सकते लेकिन वाइफ अलाइव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वाइफ अलाइव नहीं होनी चाहिए. अगर अलाइव है तो आप नहीं कर सकते, अगर आप कर लेते हैं तब तक वो इरेगुलर रहेगी, वो वैलिड मैरिज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी. वो वैलिड होने के लिए उसका क्या जरूरी है कंडीशन, कि जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाए. इट मींस जैसे हम अगर हम बाकी सिचुएशंस की बात करें जहां पे लॉ ने स्पेसिफिकली इरेगुलर मैरिज के जो ग्राउंड्स दिए हैं वहां पे लिखा हुआ है विटनेसेस अगर प्रेजेंट नहीं है. अगर आप वैलिड मैरिज के ग्राउंड पढ़े वहां पे विटनेसेस का होना प्रेजेंट बहुत जरूरी है. इट डजंट मीन कि वो अवॉइड हो जाएगी. मैरिज हुई है उसकी बाकी एलिजिबल है, प्रॉपर रिचुअल से शादी हुई है, सिर्फ एक कंडीशन पूरी नहीं थी. हाँ जी उस केस में हम उसको बिल्कुल नलिटी डिक्लेयर नहीं करते, हम उसको इरेगुलर मैरिज की कैटेगरी में फॉल करवाते. हाँ जी क्लियर है. हाँ जी नेक्स्ट इश्यू हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद लेंगे, उसमें हम मुस्लिम वुमेन की पोजीशन को डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू सेक्शन 125.